नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बुगल फूक चुका है और आचार संहिता लागू हो गई है। फिलहाल अब मौसम में सर्द जरूर है, लेकिन राजनीतिक गर्मी की वजह से सभी तरफ गर्माहट है। हम आपको उत्तर प्रदेश के झांसी के चारों विधानसभा सीटों पर जो प्रशासन ने तैयारियां शुरू की हैं उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज झांसी में जिलाधिकारी और SSP ने विकास भवन में जो बैठक की उसमें उन्होंने बताया, जो जानकारी दी हम उसको आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 15,11,525 मतदाता हैं और इनके लिए 925 मतदान केंद्रों पर 1,735 मतदेय केंद्र स्थल बनाए गए हैं, जिसमें से 1,067 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जबकि 668 शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि 18 से 19 वर्ष के 17,985 वोटर जो नए बने हैं वह पहली बार मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। चुनाव में 9,020 मतदान कर्मी लगाए जाएंगे, इनके लिए हल्के व भारी 950 वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के अलावा 2 प्रस्तापक ही प्रवेश कर सकेंगे, जबकि चुनाव के दरमियान व्यापारी आवश्यक प्रपत्रों के साथ 1,00,000 रुपये तक ले जा सकेगा। जनपद में 260 बूथ केंद्रों पर कड़ी नजर है, जिनमें से 124 वनरेबल हैं और 182 क्रिटिकल बूथ हैं। 24 वनरेबल हैं और 182 क्रिटिकल हैं, जबकि 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनसे ऊपर उनके लिए मतदान केंद्रों पर अलग से लाइन लगाई जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि फिलहाल चुनावी सभाओं के लिए झांसी में GIC व पॉलिटेक्निक स्थान को चिन्हित किया गया है, जबकि बबीना में 8, मऊरानीपुर में 4 और गरौठा में 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। तो यह हमने आपको बड़ी जानकारी दी है। इसके अलावा अब राजनीतिक जो गहमागहमी शुरू हुई है उसमें प्रचार को 15 जनवरी तक जो चुनाव आयोग ने बंदिशें लगा रखी हैं उसके बाद क्या हालात बनेंगे यह देखना होगा। हम आपको नगर गली मोहल्लों के हालातों के साथ साथ में जो राजनीतिक उतार चढ़ाव होंगे उसकी पूरी ज़्यादा जानकारी देंगे। झांसी ही नहीं, पूरे 5 राज्यों की हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी आपको हम फिलहाल उत्तर प्रदेश के झांसी की और मऊरानीपुर समेत जो झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटें हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह बहुत सटीक जानकारी है, बहुत ज़रूरी जानकारी है। इसके अलावा जो बैठक में जिलाधिकारी और SSP ने कोविडों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में क्या क्या बातें कही हैं यह हम आपको सुनाते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, अब जो गली मोहल्ले अभी आपको सन्नाटे में दिख रहे हैं, राजनीतिक दौर में ऐसे ही सन्नाटों में रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी चहल पहल बढ़ जाएगी। लेकिन आपसे हमारा विशेष अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है कि कोविड नियमों का पालन जरूर करें। फिलहाल सुनिए जिलाधिकारी ने क्या कहा है। आप लोग जो अभी पोलिंग एजेंट बनाएंगे, कोई भी पोलिंग एजेंट बिना डबल वैक्सीनेशन के पोलिंग सेंटर में मतलब बूथ में एंटर नहीं कर सकता है। ऐसे केस जिसमें कि उन्होंने सिंगल डोज, पहला डोज रिसेंटली लिया है और दूसरा डोज का समय नहीं आया है, वो या तो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लेके ही आएंगे। ये हम कप्तान साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे उनको स्पष्ट निर्देश आएगा कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए और आम वोटर की सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी पोलिंग एजेंट को बिना डबल वैक्सीनेशन या सिंगल वैक्सीनेशन है तो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी हम लोग प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे, प्रत्येक पोलिंग सेंटर पे एक थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करेंगे। सारे पोलिंग पर्सन को मास्क के साथ साथ ग्लव्स, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर सब दिया जाएगा। हमारे जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं उनको भी हम डबल वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेंगे।